देश में आतंकी गतिविधियों के बीच आज फिर सावन के पहले सोमवारी में आस्था भारी दिख रही है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के गढ़पुरा स्थान में, और गढ़पुरा में आप दिखाई दे रहा है कि ये हरिगिरि धाम है और यहाँ पे बाबा भोले का पूजा अर्चना होता है और यहाँ तमाम कांवरियाँ जो है सो कांवर लेके दूर दूर से जल अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। ऐसे में जो आज पहली सोमवारी है, निश्चित रूप से जो तादाद दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से वह आस्था की तादाद दिखाई दे रही है। हालांकि आज नागपंचमी का भी पर्व है, यही कारण है कि भीड़ आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ दिखाई दे रही है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम आपको वह तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जिला प्रशासन की तैयारियां यहाँ की गई है और बैरिकेटिंग की जो व्यवस्था की गई है ताकि कहीं से कोई बार्गेनिंग ना हो और जो श्रद्धालु यहाँ बाबा का दर्शन करने आते हैं उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो। ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी हैं पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिख रहे हैं और यही कारण है कि श्रद्धालु बड़ी आराम से बाबा भोले का दर्शन कर जलाभिषेक कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे, कुछ युवा श्रद्धालु भी यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ जलाभिषेक के लिए आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा भोले को आप जल चढ़ाने आए हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं? खगड़िया से। क्या मन्नत है, कैसे यहाँ आए हैं, किस तरह मन जलाभिषेक हुआ है? हाँ हो गया है सर। क्या मन्नत लेकर यहाँ आए हैं, क्या कुछ मनोकामना है? हाँ मन्नत लेकर आते हैं सर कि कोई भी प्रॉब्लम है दूर हो जाए सर, इसलिए आते हैं, दूर दूर से हम लोग आते हैं। तो आप जब आए हैं यहाँ तो रास्ते में प्रशासनिक तैयारियाँ आपको पूरी रूप से दिखी है? हाँ सर बढ़िया से दिखी है, वहाँ पार्किंग में बाइक भी लगाया गया था, वहाँ से कुछ पैदल चल के यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि देश में आतंकी गतिविधि काफ़ी तेज हो गई है और सरकार इस वक्त एक्शन के मूड में दिखाई दे रही है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की काफ़ी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ का जो इलाका है उस पर भी पैनी नज़र रहती है। ऐसे में जो हरिगिरि धाम है बेगूसराय में, वहाँ किस तरह की तैयारियाँ प्रशासन की है और श्रद्धालु कैसे यहाँ जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आ रहे हैं? ऐसे हम लोग आए हुए हैं सिसौनी कोठी से, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी प्रकार से देखे हैं। हम लोग आ रहे थे तो वहाँ देखे थे कि प्रशासन मतलब बहुत एक्टिव थे, जिसके कारण मतलब बाबा से अच्छी प्रकार से दर्शन हो गया। आज नागपंचमी भी है और भीड़ काफ़ी कम दिखाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? आज नागपंचमी है इसलिए माँ बहन जो है ना घर में पूजा करने के लिए आज कम आए हैं, जिसके कारण भीड़ भाड़ कम देखने को मिल रहा है। आज आप पूजा अभी किए हैं? हाँ पूजा कर लिए हैं, बाबा से मन्नत जो मांगने के लिए आए थे वो भी पूरा हो चुका है। क्या मन्नत मांगने आए, क्या पूरा? अब वो चीज़ तो गुप्त ही रहने दीजिए। और कुछ मन्नत मांगे हैं? नहीं वो चीज़ हो गया सब चीज़। तो निश्चित रूप से ये मन्नत मांगने यहाँ आए थे और वह पूरा हो चुका और यही कारण है कि ये श्रद्धालु बाबा का एक बार फिर से दर्शन करने आए। हमारे पास कुछ महिला भक्त भी हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आंटी किस तरह यहाँ आई हैं, क्या मन में श्रद्धा था और आज पहली सोमवारी में यहाँ आए हैं, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा व्यवस्था है, हम लोग आए हैं बहुत अच्छा, अभी तुरंत 5 मिनट तो होवे किया है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा से बाबा से दर्शन हो गया। कहाँ से आप आंटी आए? हम खगड़िया से आए हैं। क्या नाम हुआ? सविता देवी। तो ये सविता जी थे खगड़िया से आई है बाबा का जलाभिषेक के लिए, इन्होंने भी जो व्यवस्था यहाँ देखी है निश्चित रूप से उसकी तारीफ की है और खासकर बाबा का जो दर्शन करने आए हैं निश्चित रूप से इनके मन में भी कुछ तमन्ना था, उसके लिए यहाँ आए हैं। कुछ बच्चियाँ भी यहाँ मौजूद हैं, हम बच्चियों से भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहोगी बाबू, यहाँ बाबा का दर्शन करने आई हो, कैसे कैसे आई हो, क्या मन्नत है, किस तरह से तैयारियाँ यहाँ, कैसे पूजा की? बहुत अच्छा तैयारियाँ है। क्या क्या चढ़ाई है बाबा को? जल चढ़ाए और बेलपत्र वगैरह भी। हाँ। क्या मांगी है बाबा? कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है? देश में आतंकी गतिविधि काफ़ी तेज है, ऐसे में आज सावन का पहला सोमवारी भी यहाँ है और प्रशासन चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ आपके द्वारा की गई है ताकि श्रद्धालु को कोई कठिनाई ना हो? देखिए भीड़ को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने प्रॉपर बैरिकेडिंग का व्यवस्था कराया है और जगह जगह पर जो है ड्रॉप गेट का व्यवस्था कराया गया है, जैसे जिसमें कि 4 पहिया गाड़ी और 2 पहिया गाड़ी का एंट्री अलाउ नहीं है और जितने भी सुरक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पार्किंग प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील यही रहेगी कि पार्किंग में ही गाड़ी को पार्क करें, इसलिए कि इधर उधर पार्किंग कर देने के बाद जो है गाड़ी चोरी वोरी की संभावना बढ़ जाती है। बाकी पूरे कैंपस को हम लोगों ने CCTV कैमरा से
कवर कर लिया है, किसी भी कॉर्नर में कहीं भी कोई घटना होती है तो हम लोग को उस पर प्रॉपर नज़र है। सर, हर साल लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु विभिन्न जिलों से आते हैं, आज थोड़ा नागपंचमी को लेकर कम भीड़ दिखाई दे रही है, हालांकि प्रशासन हमला काफ़ी मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कल की तैयारी कैसी रहेगी, चूँकि कल से भीड़ लगना यहाँ शुरू हो जाएगा? हम लोगों ने पूरे महीने की तैयारी कर रखी है, आज नागपंचमी है इसलिए थोड़ा भीड़ है कम है, लेकिन हम लोग की तैयारी जो है जो नॉर्मल पैटर्न है यहाँ का भीड़ का उसके अनुसार हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर लिए। कितने किलोमीटर के रेंज से आप लोग जो है सो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ उतार दिए हैं, ड्रोन की भी तैयारी है क्या कुछ? नहीं, सीमा बेगूसराय पुलिस के तरफ से और प्रशासन के तरफ से सिमरिया घाट से लेकर के यहाँ तक का हर जगह का व्यवस्था किया गया है, बाकी हमारे अनुमंडल क्षेत्र में हम लोग हरसैन पुल से लेकर के जो है कुआं टोल तक इस नज़र पे इस रूट पे जो है हम लोगों की विशेष नज़र है, बाकी व्यवस्था जो है सिमरिया घाट से लेकर के यहाँ तक का किया गया। अच्छा, पूरे देश में आतंकी गतिविधि को लेकर भी काफ़ी प्रशासन को टास्क मिला है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ हैं हम लोगों की हर चीज़ शेयर करने। किस तरह की तैयारियाँ आप कहाँ कहाँ पर? हर जगह हम लोग के आदमी लगे हुए हैं, स्पेशल ब्रांच से लेकर के सीआईडी तक के लोग लगे हुए हैं, इंटेलिजेंस का भी इनपुट हम लोग को ले रहे हैं, लेकिन इसको शेयर करना ठीक नहीं। बिल्कुल, काफ़ी इनपुट ले रहे हैं ऐसा बखरी एसडीपीओ साहब का कहना है, और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि हर तमाम चीज़ों पर नज़र है, जिससे कि श्रद्धालु जो हैं जो यहाँ जलाभिषेक के लिए दूर दूर से आए हैं उनको किसी तरह की कठिनाई ना हो, खासकर तब जब देश में आतंकी गतिविधि का मामला सामने आया हो, और ऐसे में सुरक्षा की जो बात है उसको लेकर ये लोग काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं। बहरहाल आज नागपंचमी है, भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे महीने में इस ढंग की व्यवस्था रहेगी जिससे आम लोगों की कठिनाइयों का कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।